नमस्कार मित्रों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानिया एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 से संबंधित हिंदी और संस्कृत के मंडल से संबंधित जो न्यूज़ है वो, और साथ ही जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं उनके बारे में भी आज हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। जैसा कि आपको पता है कि हम दो दिन से अजमेर में थे आरपीसी से, और अभी मैं लौटा हूँ और आपके लिए ये न्यूज़ बना रहा हूँ। काफ़ी थकान महसूस हो रही है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हुआ था इसमें जिसके कारण, और हमने पूरी मेहनत की दो दिन से, और फिर जाकर सभी जो साइंस विषय थे उन सभी के हमने अनुशंसा वहाँ पर बीकानेर भेज दी गई थी। इसमें मैं और मेरे साथ में 40 लोग अन्य जो मेरे अभ्या साथी थे उनने पूरी दिन रात वहाँ पर मेहनत की जिसकी वजह से जो अनुशंसा है वो भेजी जा सकी। अगर हम वहाँ पर नहीं जाते तो ये अनुशंसा आज ना भेजा कर 10-15 दिन बाद भेजी जाती, और हो सकता है कि हड़ताल के कारण ये और भी लेट हो सकती थी। लेकिन हमने अपनी मेहनत की और मेहनत के फलस्वरूप हमने इसको दो दिन में क्लियर करा दिया, और वहाँ पर लिस्ट जो भी मंडल जो अनुशंसा की थी वो भिजवा दिए। आप यहाँ देख सकते हैं उसकी लिस्ट। हमने ये काफ़ी मेहनत करके कॉपी निकाली है जो थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही है आपको। इसमें सभी सब्जेक्ट की अनुशंसा है और इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, और इससे संबंधी आगे की जो जानकारी है जैसे ही ये हमने वहाँ पर भिजवाई, वहाँ पर हमारी बीकानेर टीम थी और बीकानेर टीम ने ये जो लिस्ट है लेकर इसके बारे में जब चर्चा की वहाँ पर जो निदेशक है उनसे मिले तो उनने कहा कि आपकी ये जो मंडल विकल्प पत्र की प्रक्रिया है वो हम आज स्टार्ट कर देंगे, अभी शाम को आपकी लिस्ट निकाल देंगे और आपको एक दिन देंगे विकल्प पत्र भरने के लिए। तो ये हमने बोला था और हमने सभी ग्रुप में इसको सूचित कर दिया गया था कि कल इसके मंडल जो विकल्प पत्र है वो भरे जाएंगे। 90% कन्फर्म है कि अभी लिस्ट आ जाएगी, अभी नहीं तो देर रात तक ये ज़रूर लिस्ट आ जाएगी, और किसी कारण अगर लिस्ट नहीं आती है तो कल इसको कन्फर्म होकर हम इसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, इसको लिस्ट को निकालने की और सभी सब्जेक्ट की निकालने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी हो सके। सबसे पहले मैं उन जो अजमेर साथी जो मेरे थे वो साथ ही जो बीकानेर में मेरे साथी थे उनने बहुत ही दिन रात परिश्रम किया और इस भर्ती को आगे बढ़ाने में कार्य किया। मैं उनका बहुत ही तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उनने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पर काम किया, और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं फिर भी हम पर सवाल उठाते हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में हम जो इतनी मेहनत करने के बाद पर हम अंगुली उठाते हैं, जो काफ़ी हमें शर्म आनी चाहिए उनको कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो हम पर अंगुली उठाते हैं। लेकिन इनको हम जवाब देते हैं वो हम देते हैं अपने काम के थ्रू कि हम काम करके इनको दिखाते हैं और ज्वाइनिंग करके दिखाएंगे। और रही बात यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं स्टेज से संबंधित, तो स्टेज से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पर आपके जो अन्य सदस्य हैं जो हिंदी और संस्कृत के वो सदस्य मेहनत कर रहे हैं और वो शायद इस्टे नहीं आने दें, ऐसी हमारी आशा है और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। आने वाले 5 दिन में हमें नियुक्ति मिल जाए जिससे कि किसी प्रकार की स्टे की प्रॉब्लम ना आए, और कोशिश रहेगी कि स्टे कभी ना आए, और जो सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आए उनको भी अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी और संस्कृत जो सब्जेक्ट हैं उनके मंडल अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुए, और इससे संबंधित है लगभग कन्फर्म न्यूज है कि आज इनके मंडल संबंधित लिस्ट निकल जाएगी देर रात तक, और इसकी जो काउंसलिंग की डेट तो पहले से फिक्स है 26 और 27 तारीख उसको ही काउंसलिंग होगी। इससे संबंधित जो अन्य आपके मंडल वाले हैं जैसे ये कोटा मंडल है इनने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दिए, और यहाँ इनकी डेट देख सकते हैं 26/9/2018 सुबह 9 बजे से। ये इनकी टीम है जो निर्धारित की गई है, और भरतपुर की 2 दिन पहले ही एक लिस्ट आ चुकी है जिनके द्वारा उनके कार्यक्रम तय कर लिया गया है, तो तय समय पर यह कार्यक्रम होने की पूरी संभावना है और लिस्ट देर रात तक निकलने की पूरी संभावना है। तो इसकी संस्कृत और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जल्दी इनकी मंडल अलॉटमेंट के बाद अब काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी, और इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इनके जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लें क्योंकि डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना रखें। जैसे ही आपको पदस्थापन की वो लेटर मिले उसके जस्ट आप तुरंत ज्वाइनिंग करने की
रखें, क्योंकि आप 2-3 दिन डिले करें उस समय हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो आप डिले ना करें अपनी ओर से। जिस दिन ज्वाइनिंग के लिए मिले उस दिन आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आवश्यक है उनका मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख लें। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। तो साइंस सब्जेक्ट की जो आज मैंने बता दी कि लिस्ट आने वाली है, और 90% कन्फर्म है कि आज लिस्ट आ जाएगी, और जो बाहर के विद्यार्थी हैं वो तैयार हो जाएं, वो लिस्ट आते ही आप निकल जाना। ये मत बोलना कि हमें 1 दिन दिया 2 दिन दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम दिन मिले और भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। और आप बोलेंगे कि सर हमें 2 दिन चाहिए, हम वहाँ से आते हमें 12 घंटा लगता है या 1.5 घंटे लगते हैं। तो जहाँ से राजस्थान का सबसे दूर का जो जगह है वो आपके बांसवाड़ा और झालावाड़ पड़ती है, वहाँ पर आपको केवल 12 घंटे लगते हैं आने में, और जैसे ही लिस्ट जारी होती है आप निकलते हैं तो आप 12 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। और अगर ये लिस्ट आज निकलती है तो कल मैं हम जो हमारी टीम है, मैं उत्तम जी और अन्य हैं, वो सभी बीकानेर अवेलेबल होंगे। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो नंबर हैं उन पर आप जरूर संपर्क करें। मैं अपना नंबर आपको दे देता हूँ यहाँ पर, 8094-83-88-133। ये नंबर अभी केवल व्हाट्सएप के लिए चालू है, अभी इस पर कॉलिंग आपको नहीं लगेगी, अर्थात आप कॉल नहीं कर सकते। ये जैसे ही विकल्प पत्र का दिन होगा उस दिन ये कॉल चल अपने आप लगने लगेगा, अर्थात उस दिन आपकी कॉलिंग चालू रहेगी। अगर आज लिस्ट आती है तो कल ये फ़ोन नंबर चालू रहेंगे, आप किसी भी समय इन पर कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। अगर आप लेट होते हैं तो भी हमें बता सकते हैं, अल्टरनेट तरीका हम बताएंगे। और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन नंबर पर संपर्क करें, और व्हाट्सएप पर इन पर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन जितना रिप्लाई मैं कर सकता हूँ उतनी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और फिर भी ये नंबर जिस दिन हमारे विकल्प पत्र लिए जाएंगे उस दिन ये नंबर चालू रहेंगे, आप इन पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और जितनी मुझसे कोशिश होगी उतनी मैं आपके लिए सहायता और मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और ख़ास बात उन अभ्यर्थियों के लिए जो रिवाइज रिजल्ट्स हैं या किसी अन्य कारण से भर्ती से बाहर हुए हैं, उनके अभ्यर्थियों की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी संख्या है यहाँ पर। अंग्रेजी में जो बाहर हुए हैं अभ्यर्थी है वो 10 अभ्यर्थी हैं, और मैथमेटिक्स में जो अभ्यर्थी हैं वो 13 अभ्यर्थी हैं, और विज्ञान में 8 अभ्यर्थी हैं, और SST में 111 अभ्यर्थी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या है, जबकि SST में बहुत सारे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो रखी है। तो इन अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हो सके तो भर्ती पर स्टे ना लाएँ। स्टे लाने से आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है और हमारा घाटा करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। आप कुछ 6 महीने से इस भर्ती के लिए स्टे के लिए भुगत रहे हैं, तो आप स्टे लाकर हमें और क्यों भुगता रहे हैं, और आपको भी इस स्टे से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपनी कोर्ट में जो दलील दें ऊपर सरजीत के लिए दें, ताकि आपको भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके। अब बात रही हमारे साथ की, तो हम अभी भी आपके साथ हैं, आप कॉल करते हैं तो हम आपके लिए मदद तैयार हैं। और कुछ दिन पहले जो अभ्यर्थी हमारे राजेश कुमार जी, उनने फ़ोन किया कि सर आप वीडियो बनाइए मेरे लिए, आपके जो धरने के लिए, तो मैंने वीडियो बनाया, और अन्य किसी भी प्रकार की आपकी सहायता होगी तो हम करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम बेरोजगार हैं, जब भी वित्तीय प्रॉब्लम आएगी तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे पोस्टेड होने के बाद कि आपको कुछ सहायता दे सकें। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी को सूचित करूंगा ताकि उनकी मदद की जा सके, जितनी मदद कर सकें उतनी मदद जो बाहर हुए अभ्यर्थी हैं उनकी करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन आपसे गुजारिश रहेगी किसी प्रकार की स्टे से संबंधित कार्य ना करें। आज भी हमारे जो बाहर हुए हैं अभ्यर्थी हिंदी से, उन अभ्यर्थियों से मुलाकात भी हुई थी, वो RPC वहाँ पर सचिव साहब से मिलने आए थे, उनसे बात भी हुई थी, हमने बात भी बताई थी उनको ये, और उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी प्रकार की भर्ती पर अड़चन ना डालें। और हमारे जो साथ है अभी हम आपके, वो भी आप अगर खो दोगे अगर आप भर्ती पर किसी प्रकार का अड़चन डाल दें, तो भर्ती पूरी होने दीजिए, क्योंकि भर्ती बहुत महीने हो गए हैं और सभी इस भर्ती से संबंधित ज्वाइनिंग को वेट कर रहे हैं। अंत में यही कहूँगा कि साइंस विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जारी होते ही मैं आपको चैनल के द्वारा बता दूंगा, और डायरेक्ट व्हाट्सएप और फेसबुक पर आ जाएगी। और साथ ही साथ उन सभी से कहूँगा कि वो लिस्ट आते ही आप घर से निकल जाएं विकल्प पत्र के लिए, और 1 ही दिन दिया जाएगा विकल्प पत्र भरने के लिए, और बाकी सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन की जो पहले से भर चुके विकल्प हैं उनको वापस भरने हैं या नहीं भरने, वो सभी प्रकार की डिटेल उसमें मिलेगी। अभी इस पर बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है
कि किन के वापस भरने हैं, क्या नए वालों को भी भरने हैं या पुराने वालों को भी वापस भरने हैं, ये सभी प्रकार की कंफर्म न्यूज़ उस लिस्ट में ही मिलेगी, हमारे पास वो भी न्यूज़ नहीं है। तो ये थी आज के लिए न्यूज़ आपके लिए, जो काफ़ी मैंने एक्टी की और आज पूरे दिन ट्रेवलिंग में ही था और वहाँ से RPC से अभी यहाँ लौट के आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।